नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट से। तो अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा वॉकिंग किया। वैसे उतना ज़्यादा टाइम तो नहीं रहता है क्योंकि काम पे भी जाना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं रहता, पर जितना भी समय मिलता है उतने में मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर घर के सारा काम निपटा लेने के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ स्कूल जाने के लिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ समर कैंप चल रहा है। स्कूल पहुँच करके मैम ने कुछ काम दिया था, बोला था करने को, तो यहाँ गणवेश का हम लोगों ने काउंटिंग किया है, कितना है, साइज़ क्या है उसका काउंटिंग किया। उसके बाद जो पेपर वर्क था वो कर लिया है। उसके बाद फिर लगभग अभी 7 से 9:30 ही है अभी स्कूल, समर कैंप चल रहा है। हालांकि बच्चे नहीं आ रहे हैं पर टीचर को जाना ज़रूरी है। उसके बाद फ़ोटो सेशन करवाया और मैं घर आ गई। तो काफ़ी धूप, अभी 10 बज रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा धूप, मतलब इतनी ज़्यादा थकावट लगती है ना कि पूछो मत। तो सबसे पहले मैंने स्कार्फ हेलमेट निकाला, अपना बैग को रखा, हाथ मुँह धोने के बाद बना लिया था नाश्ता। नाश्ता में बनाया था पोहा, तो ये मैं अपनी सासू माँ को देने जा रही हूँ। वो नीचे में रहती हैं, बार बार ऊपर नहीं आ पाती हैं, तो बस उन्हीं को देने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद ही मैं लंच प्रिपरेशन करूँगी। और धूप इतनी ज़्यादा है ना कि पूछो मत। हालांकि मैं चाय बिस्किट ये सब देकर जाती हूँ, और आज हमारा चेकिंग में भी आने वाले थे, इस वजह से आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया, तो आने के बाद बनाई हूँ नाश्ता। और धूप देखिए इतना ज़्यादा बढ़ गया, नौतप्पा लग गया है, और इतनी गर्मी ना कि पूछिए मत। तो यहाँ पर सासू माँ को नाश्ता दे दी हूँ, उसके बाद मैं आ जाऊंगी और मैं भी नाश्ता कर लूंगी, क्योंकि भूख तो सभी को लगी है, बच्चों को भी दे दिया है, सासू माँ को भी दे दिया है। और उसके बाद मैं भी नाश्ता कर लूंगी, और नाश्ता करने के तुरंत बाद ना मैं लंच की भी तैयारी कर लूंगी। तो लंच बनाया था लौकी की मसाले वाली सब्ज़ी, दाल और चावल, बस यही था हमारा आज का लंच। तो पहले उनको लंच दे के आ जाऊँगी, उसके बाद फिर सभी लोगों को दूँगी और फिर मैं भी खा लूँगी। तो चलिए आज के पॉजिटिव थॉट के शुरू। नमस्ते फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे समझदार महिलाओं के बारे में, कि ऐसे कौन से गुण होते हैं जिनके कारण हर कोई उन्हें पसंद करता है। ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी लागू होता है, जो टीनेजर है उनके लिए भी लागू होता है। लेकिन आजकल के टीनेजर तो कुछ भी किसी को बोल देते हैं, बोलने से पहले सोचते भी नहीं है। तो ये बात सबसे ज्यादा उन पे ही लागू होती है। तो सबसे पहली बात है कि जो लोग समझदार होते हैं ना, वो कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं, बिना सोचे समझे कभी नहीं बोलते, और सोच समझ कर बोलते हैं, इसलिए उन्हें हर कोई पसंद ही करता है। और दूसरी बात है, जो लोग समझदार होते हैं वे डिटेल पे ध्यान देते हैं, और उनके हर काम में परफेक्शन नजर आता है। और दूसरी हो गई, तीसरी बात है कि जो महिलाएं समझदार होती है ना, उनके हर काम में अगर आप देखेंगे ना, दयालुता का भाव रहता है, हर किसी के प्रति दयालुता का भाव रहता है। और लोगों के प्रति, जो निर्धन हैं, जो थोड़े से गरीब हैं, या कोई उनसे मदद मांग रहा है, तो उनके प्रति दयालुता का भाव रखते हैं, वो हर किसी की भावनाओं का कद्र भी करती हैं। और चौथी बात है कि जो महिलाएं खुद को सम्मान देती हैं ना, जो महिलाएं समझदार होती हैं वो खुद को सम्मान देती हैं, उनके अंदर आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा होता है। इन्हीं सब आदतों को अपनाकर हम भी समाज में अपनी एक पहचान बना सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी आपसे इसी तरह से एक और वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।